हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पे, जिसका नाम है वुमेन विंग्स। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 8 और यहाँ पे हम मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, वो अभी कहाँ। तो अभी हम लोग हैं छत पे काम चल रहा है, देख के समझ ही आ गया होगा। तो यहाँ पर काम चल रहा है और ऊपर बन रहे हैं 2 हॉल 1 रूम, तो उसी का काम लगा हुआ है। सुबह सुबह हम लोग आ जाते हैं छत पे और छत पे देख लेते हैं कि कितना क्या काम हुआ है। वैसे तो पापा पूरा दिन यहाँ पे ही रहते हैं, लेकिन हम लोग सुबह सुबह आते हैं, थोड़ा डिस्कशन होता है क्या कैसे हो रहा है, क्या कैसे होना चाहिए। और सुबह सुबह धूप भी अच्छी है, ठंडी ठंडी हवा भी है, मौसम का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कभी ठंडी कभी गर्मी, ऐसा ही चल रहा है। तो काम चल रहा है और हम लोग भी अपने काम में लगे हुए हैं। ढीला भी तो है, तो क्या पीछे भी जाओगी क्या मम्मी? क्या चीज? हाँ तो क्यों पीछे क्या करोगी जाके? तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एक बड़ा सा हॉल निकलेगा, हमारा किचन, मेरा बेडरूम और हमारा हॉल लेके ये एक हॉल ऊपर छत पे बन रहा है। विनी, तुम्हारा घर बन रहा है तुम्हारे लिए घर बन रहा है विनी। अब नक खुदी है, इधर भी बन जाएगा फिर। अच्छा इधर भी बनेगा तो क्या? मम्मी तुम कहाँ रहती हो? तो यहाँ भी मम्मी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे रूम्स निकलेंगे, और ये चीज़ हम पापा डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से क्या करना है, तो वो सारा काम होगा। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ना, जो कुछ टाइम पहले इधर काम लगा था, इस पर भी ऊपर एक हॉल बड़ा सा बनेगा। तो लगे हाँ चलिए आपको थोड़ा सा किचन गार्डन भी दिखा देते हैं। और ये अमरूद के पेड़ में आप देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा डस्ट है, इस टाइम पे पूरे एरिया में ऐसा ही डस्ट देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि हर जगह काम लगा हुआ है। और ये देखिए हमारा किचन गार्डन, और आम में बहुत सारे बौर आ गए हैं, तो इस बार जम के आम खाने को मिलेगा। इस बार लग रहा है कि आम से हम लोग एकदम माला माल रहेंगे, अच्छी खासी क्वांटिटी में आम आएगा अगर आंधी तूफान बारिश नहीं हुई तो। यहाँ पर पापा और हम कुछ डिस्कस किए कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो वो यहाँ पे अभी चेंजेस लाए जाएंगे। और मम्मी हमारी हमेशा ना मीडिएटर रहती हैं, कि उनको लगता है कि पापा और मेरे बीच थोड़ा मतलब हॉट टॉक ना हो जाए, हॉट टॉक इन द सेंस कि पापा कुछ बोलते हैं तो हमको अगर नहीं समझ में आता है तो हम कुछ बोलते हैं, गेट तो लगे, तो वो चीज़ मम्मी बचाती हैं। इसलिए मम्मी हम दोनों के बीच में हमेशा एक पिलर के तरह रहती हैं कि कुछ भी गड़बड़ ना होने पाए इन दोनों के बीच में। बट ऐसा नहीं है, हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, बहुत हद तक पापा का और मेरा नेचर जो है बहुत मैच करता है, लेकिन कहीं कहीं है ना, वो तो पापा हैं और हम बेटी हैं, तो उनके सोच में मेरी सोच में डिफरेंस तो रहेगा ही, तो वो कभी कभार एक टकरार सी हो जाती है, वो मीठी टकरार होती है, उसमें इतना नहीं लेना है। तो वो चीज़ बचाने के लिए मेरी माताश्री जो है ना, वो हमेशा हम लोगों के बीच में रहती हैं। तो ये देखिए एक रूम ये भी है, स्टोर रूम के जस्ट ऊपर ये रूम निकलेगा और 2 हॉल बनेंगे। जब पूरी तरह से बन जाएगा तो फिर आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। जब भी हम छत पे आते हैं ना, तो छत से नीचे गार्डन का व्यू इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताएं। और बारिश के टाइम पे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये पोर्च के ठीक सामने वाला एरिया देखिए, इसमें वाटर कैबेज जो लगा के रखे हैं वो बहुत प्यारा लग रहा है। बस ये ब्लैक जो पॉलीथीन है ना, प्लास्टिक, वो दिख रही है, इसके वजह से थोड़ा सा ऑड लग रहा है, बाकी बहुत प्यारा लग रहा है। जरबेरा देखिए कितने ज़्यादा खिले हुए हैं। तो जब काम हो जाएगा ना, तो फिर देखेंगे, तो थोड़ा सा गार्डन में लग के सब कुछ ठीक भी करेंगे। अभी सब कुछ अस्त व्यस्त है और हर जगह काम लगा हुआ है ना, इसके वजह से सारे प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा डस्ट भी है। तो अभी यही सब चल रहा है, घर में काम लगा हुआ है, काम चल रहा है। तो चलिए अब बनाते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट, क्योंकि हो गया है नाश्ते का टाइम, तो पेट पूजा भी कर ली जाए, ये सब तो चलता रहेगा।
और आज बनाने वाले हैं नाश्ते में मूली के पराठे। तो चलिए तैयारी तो थोड़ी बहुत कर लिए हैं, अभी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए मूली कद्दूकस करके और उसका पानी निचोड़ के अलग कर लिए हैं। इसमें प्याज, अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती ये सब बारीक बारीक चॉप कर लिए चॉपर में और सबको भी मिक्स करेंगे। और ये देखिए पानी यहाँ पर अलग करके रखे हुए हैं, इसी से आटा लगाएंगे। और जब इससे आटा लगाते हैं ना तो जो मूली के पराठे बनते हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं, मतलब टूटते नहीं अलग से, जो थोड़ा टूटने जैसे हो जाते हैं ना वो नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे जैसे आलू के पराठे बनते हैं। इसमें थोड़ा सा डाल देंगे कसूरी मेथी और थोड़ा अजवाइन, और ये जो पानी है इसी से आटा लगाएंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा नमक डालेंगे। और हम जब मूली के पराठे बनाते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं कि जो नमक है वो आटे में ही अच्छी क्वांटिटी में डाल दें, क्योंकि मूली में अगर नमक डालिए तो वो इतना पानी रिलीज़ करता है ना कि फिर वो आटे से जब लोई बना के पराठे बनाना शुरू करिए ना तो अलग से वो पानी निकलते रहता है। इसलिए हम ज़्यादातर आटे में ही नमक अच्छे से डालते हैं और मूली में थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं। और थोड़ा सा चाट मसाला भी इसमें ऐड कर दिया जिससे कि पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरीके से कौन कौन बनाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम तो ऐसे ही बनाते हैं मूली के पराठे। तो चलिए पहले आटा लगा लेते हैं। आटा अभी लग चुका है तो चलिए बना लेते हैं मूली के पराठे। और जब भी हम मूली के पराठे बनाते हैं तो मूली की स्टफिंग ऐसे ही तैयार करते हैं, वो जो फ्राई करके बनाते हैं ना वो हम नहीं बनाते क्योंकि यही सबको ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये देखिए खेत की मूली है बिल्कुल फ्रेश, तो इससे जब पराठे बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये बहुत साइज़ में बड़े बड़े से होते हैं। तो एक कद्दूकस कर लेते हैं मूली तो हम तीनों लोगों के लिए अच्छे से पराठे तैयार हो जाते हैं। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं क्योंकि जब मूली का पानी निचोड़ते हैं ना तो वो एकदम अच्छे से लड्डू के तरह तरह टाइट से हो जाते हैं, तो उनको मिक्स करने के लिए इस तरीके से करना पड़ता है। तो अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और अब बनाना शुरू करेंगे पराठे। तो जैसे जैसे पराठे बनाते जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी सी स्टफिंग में नमक मिक्स करके और तब स्टफिंग फिल करते हैं और तब पराठे बनाते हैं। वैसे वो जो फ्राई किए वाले होते हैं ना, जो मतलब मूली को फ्राई करके बनाते हैं, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और ये वाला बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से गर्मा गर्म मूली के पराठे। तो यहाँ पे तो सिक रहे हैं गर्मा गर्म लाल लाल क्रिस्पी पराठे, और पराठे खाने का मज़ा तब तक नहीं है जब तक पराठे क्रिस्पी ना हो। तो हमारे यहाँ तो सभी लोगों को क्रिस्पी पराठे पसंद हैं, ख़ास तौर से पापा की पसंद ऐसी ही है, पापा को पराठे अगर खाने तो उनको क्रिस्पी पराठे होने चाहिए, पूड़ियाँ अगर खा रहे हैं तो लाल लाल पूड़ियाँ होनी चाहिए। और जब रोटी खाते हैं तो सर्दियों में तो वो थोड़ी मोटी रोटी और एकदम लाल सिकी हुई रोटी पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से बनाते हैं हम लोग पापा की पसंद का ध्यान रखते हुए। तो यहाँ देखिए गर्मा गर्म एकदम क्रिस्पी करारे पराठे तैयार हो रहे हैं। तो चलिए फटाफट से सेक लेते हैं और लगा देते हैं नाश्ते की थाली जो कि बहुत ही टेस्टी होने वाली है। तो ये देखिए यहाँ पे तैयार है गर्मा गर्म पराठे, धनिया की चटनी और साथ में विंटर्स का स्पेशल गाजर हलवा। और इसके बाद फिर हम लोग निकल गए कहीं घूमने के लिए। और ये नया चेहरा देख के आप सोच रहे होंगे कि कौन है, तो ये है हमारी भाभी और हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। अचानक से याद आया कि व्लॉग शूट कर रहे थे, बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया, तो आधा अधूरा यहाँ व्लॉग शूट किए हैं। और अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, साथ ही चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। फिर व्लॉग बनेगा, हमको ध्यान ही नहीं आया इसमें, खाना वाना खा लिए तो याद आ रहा कि अरे तुम्हारा ले ले क्या खाते।